नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवट न्यूज। खबर सुपौल से है। नेपाली नदियों और लगातार बारिश से निर्मली विधानसभा क्षेत्र में आए बाढ़ में हजारों लोगों का घर जलमग्न हो गया है। इस आपदा की घड़ी में बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद के लिए सुपौल जिला युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरदीप कुमार आगे आए हैं, जो निर्मली विधानसभा क्षेत्र के दिधिया, डगमरा और ढोली पंचायत में बाढ़ से घिरे सैकड़ों लोगों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया है। बता दें कि इस दौरान उनके साथ सुपौल जिले के कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस मौके पर अमरदीप ने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। साथियों प्रणाम, मैं अमरदीप कुमार, जिला युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष। अभी बीच कोसी नदी में जो बाढ़ आई है और बाढ़ से जो निर्मली विधानसभा क्षेत्र के हजारों घर डूब चुके हैं, उन लोगों को राहत कार्य के लिए और लोगों को मदद करने के लिए युवा कांग्रेस तत्पर है। और अभी हम लोग बीच नदी में हैं और जितने भी घर डूबे हुए हैं उन घरों को और उनके घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। सरकार से मेरा यही एक निवेदन है और आगे आने वाले समय में जितनी भी सक्षम होंगे हम लोग, जितना भी हम लोगों का सामर्थ्य होगा यहाँ की जनता के लिए, सुपौल जिले वासियों के लिए जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनको मदद करने के लिए युवा कांग्रेस हमेशा से आगे रहेगी। और फिलहाल अभी हम लोग, आप देख सकते हैं कि जो राशन सामग्री है, जो राहत सामग्री है लेकर के हम लोग जा रहे हैं और लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुँचे। और सरकार से फिर से मैं यह मांग करता हूँ कि ये जो बांध का कटाव है जिसके कारण हर एक वर्ष हजारों घर जलमग्न हो जाते हैं, गांव को छोड़िए, आप निर्मली नगर पंचायत की भी आप स्थिति देखेंगे, पिछले साल की भी बात है, हर एक साल बाढ़ के कारण निर्मली बाजार भी डूब जाता है। गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अभी बहुत सारे लोग बांध पे रह रहे हैं अपने अपने घर को छोड़ करके। लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और ये बिहार का शोक कहा जाने वाला कोसी नदी के बाढ़ के कारण हर एक वर्ष हजारों लोग बेघर होते हैं। सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाती है। यहाँ आने के बाद ये भी सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं वो इन लोगों को देखने नहीं आते हैं। 5-5 साल तक सिर्फ वोट लेने के टाइम पे आते हैं, वोट मांगते हैं और वोट मांग करके चले जाते हैं, लोगों की परेशानी का समाधान नहीं करते हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि ससमय बांध के कटाव को
रोका जाए, उनके लिए उचित प्रबंध की जाए ताकि लोगों को और कठिनाइयों का सामना झेलना ना पड़े। जय हिंद, जय